हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम PHP में सीखेंगे कि किस तरह से हम डाटाबेस से डाटा को फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर शो कर सकते हैं या फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक डाटाबेस PHP में यूज़र टेबल में ये डाटा पड़ा है। इसमें चार रोज़ हैं। मैं चाहता हूँ ये चारों के चारों नाम प्रिंट हो जाएं। ओके, तो ये देखते हैं हम किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, MySQLi कनेक्शन बनाया, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। MySQLi कनेक्ट फंक्शन यूज़ किया, जिसमें चार पैरामीटर्स पास किए, सर्वर का नेम, यूज़र का नेम, पासवर्ड और डाटाबेस का नेम। ओके, देन चेक किया, अगर सही है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो एग्जिट किया, नहीं तो अब क्या करेंगे। अब हमें अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। क्वेरी क्या होगी, इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम जो है यूज़र, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, स्टार की जगह हम अगर फील्ड्स के नेम देना चाहते हैं टेबल के तो वो भी दे सकते हैं। ओके, देन हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया एंड रिजल्ट को $res में सेव किया। एग्जीक्यूट कैसे किया, MySQLi क्वेरी फंक्शन का यूज़ करके। फिर चेक किया क्या रिजल्ट, अब यहाँ से है इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे पहले तो हमने यहीं पे सिंपल क्वेरी एग्जीक्यूट किया, अब हमारे पास रिजल्ट आ गया जो रिजल्ट सेट में सेव हो गया। अब इस रिजल्ट सेट को हमें यूज़ करना है किस लिए, ताकि हम अपना डाटा, तो अब शो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं। इफ़ कंडीशन में क्या चेक करेंगे, क्या कोई रो आई है या नहीं आई, तो उसके लिए क्या होगा, MySQLi _num_rows, ये क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ रोज, कोई जो रिजल्ट सेट हमारे पास आया वो कितनी रोज कंटेन करता है। एंड इसमें एक पैरामीटर पास होता है, वो होता है रिसोर्स, जो हमारा कनेक्शन का जो रिसोर्स बनता है वो $res। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आगे काम करें, नहीं तो मत करें। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हम इसे शो करेंगे, नहीं तो नो डाटा हम प्रिंट कर देंगे। ओके, अब क्या हुआ, अब हम लूप चलाते हैं क्योंकि हमें एक एक रो करके रिट्रीव करना है। वाइल चलती रहे तब तक, कब तक, अब ये आया मेन फंक्शन हमारा, जो कि फेच करेगा, रिट्रीव करेगा डाटा को डाटा बेस से। डाटा हमारा रिजल्ट सेट में आ चुका, अब उस रिजल्ट सेट से हमें एक एक करके रोज़ निकालनी है, एक एक करके रोज़ फेच करनी है, तो उसके लिए MySQLi फेच एरे यूज़ करेंगे। इसमें दो पैरामीटर्स पास होते हैं, फर्स्ट है वही हमारा रिसोर्स, जो हमारा इसका रेफरेंस जो इसके अंदर जाता है MySQLi का रिसोर्स, वो हम यहाँ पर, एंड सेकंड है इसकी ये जो टाइप होगा, किस तरह से हमें यहाँ पर उसे शो करना है। इसमें हम तीन पैरामीटर्स डाल सकते हैं, फर्स्ट है MySQLi ASSOC, मींस एसोसिएशन का मतलब होता है जब हम रिट्रीव करेंगे डाटा को तो यहाँ पर जो हम इंडेक्स देंगे वो टेबल का नेम दे सकते हैं। सेकंड होता है यहाँ पर सोक की जगह हम बोथ यूज़ कर सकते हैं, बोथ। इसमें क्या है, हम न्यूमेरिक भी दे सकते हैं एंड नेम से भी दे सकते हैं। एंड थर्ड होता है नम, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक ही चलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम तीन ये अलग अलग वैल्यूज पास कर सकते हैं। एंड सेकंड जो फंक्शन होता है हमारे पास रिट्रीव करने का, वो होता है MySQLi फेच ASSOC। ओके, एंड जो एसोसिएट होता है वो सिर्फ जो ये पर्टिकुलर नेम वाली वैल्यू होती है इससे ही रिट्रीव करने के लिए काम में आता है, एंड वो सिर्फ एक ही चीज़ को, एक ही पैरामीटर उसमें पास होगा, सिर्फ ये रिसोर्स पैरामीटर। ओके, तो इसके डिफरेंस के बारे में हम सीखेंगे आगे। तो पहले ये हमें सिंपल डिफरेंस पता लग चुका, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो भी वैल्यू, जो भी एरे आया, जो हमारी पहली रो आई, उसे हमने एरे में सेव किया, जिसका नाम हमने दिया न्यू एरे। ओके, अगर न्यू एरे ये बनेगा तो आगे ट्रू होगा एंड
इको करेगा क्या, डॉलर न्यू एरे एंड जो इंडेक्स दिया हमने यू नेम, जो हमारे टेबल का नेम था, देन कॉन्केटिनेट करके बी आर। ओके, तो अब क्या करेगा, एक एक करके रोज रिट्रीव करेगा एंड उन्हें प्रिंट करता जाएगा। तो आइए देखते हैं अब किस तरह से जो हमारा रिजल्ट है वो आता है। अब यहाँ पर हमने लोकल होस्ट अपना पहले ही ऑन कर चुके हैं, तो php ट्यूटोरियल फेच डॉट php। जैसे ही हमने किया, देखिए php ट्यूटोरियल digilog.com चैम्पियन महिपल जो हमारे यहाँ पर थे वो सभी आ गए। ओके, तो ये फेच हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर अगर बोथ कर दें तो क्या होगा। बोथ कर यहाँ पर हम न्यूमेरिक इंडेक्स भी दे देते हैं। जो इंडेक्स शुरू होता है वो हमेशा जीरो से शुरू होता है, तो आईडी का वन होगा, नेम का सॉरी आईडी का जीरो होगा एंड नेम का वन होगा। एंड इसे सेव किया, देन हम अगर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये दोनों नेम आ रहे हैं दो बार। तो ये है अगर हम इसे बोथ इंडेक्स करते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम ASOC कर देते हैं फिर भी न्यूमेरिक का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ये एरर शो करेगा। ये देखिए पहला सही आया इंडेक्स वन, ये एरर आ रहा है। ओके, अनडिफाइंड इंडेक्स, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ओके, एंड एसोसिएट के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होता है रिसोर्स का, जो कि सिर्फ न्यूमेरिक इंडेक्स के लिए सॉरी जो ये हमारे बाय नेम इंडेक्स के लिए यूज़ होता है। तो ये है किस तरह से हम डाटा को फेच कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं हमारी साइट में। थैंक यू वेरी मच।